बॉलीवुड इंडस्ट्री का मच अवेटेड डेब्यू विजय देवरकोंडा का एक बहुत ही बड़ा फ्लॉप साबित हो चुका है। लाइगर फिल्म को बहुत ही अच्छे से प्रमोट करा गया, उसकी बहुत ही ज़्यादा मार्केटिंग की गई, लेकिन बोलते हैं ना खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, वही हुआ लाइगर फिल्म के साथ। सोशल मीडिया पर ढेरों रिव्यूज़ देखे जा सकते हैं जो वायरल हो चुके हैं, जहाँ पर इस फिल्म को लेकर फैंस ने कुछ ऐसे ऐसे शब्द कहे हैं जो एक्चुअल में फिल्म बनाने वालों को शायद हर्टफुल लगे, लेकिन वो सच भी है। ऐसे ऐसे रिव्यूज़ देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर फैंस ये कह रहे हैं कि अगर आप लाइगर देखने आओ तो किसी को बताना मत कि आपने लाइगर देखी है, वरना आपकी बेइज्जती हो जाएगी। बात करें फिल्म की तो फिल्म का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसकी स्टोरी लाइन। पूरी जगन्नाथ से जिस तरह की फिल्म्स एक्सपेक्ट की जाती है, लाइगर उसके आसपास भी नहीं है। फैंस का कहना है कि कहीं से भी ये पूरी जगन्नाथ की फिल्म है ही नहीं, ये तो करण जौहर की फिल्म है। इसके अलावा दूसरा ड्रॉबैक इस फिल्म का है अनन्या पांडे। अनन्या पांडे की एक्टिंग स्किल्स इतनी बेकार है इस फिल्म में कि ट्विटर पर फैंस उनके छोटे छोटे क्लिप्स शेयर कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने कुछ डायलॉग्स पर रिएक्ट किया है, जो कि एक स्ट्रगलिंग एक्टर भी नहीं कर सकता है। फैंस का कहना है कि इन्हें बचपन से तैयार किया जाता है एक्टर बनने के लिए, और उसके बावजूद भी इनका फोकस रहता है डांस पर, म्यूजिक पर एंड एक्स्ट्रा चीज़ों पर, बजाय कि ये एक्टिंग पर थोड़ा सा फोकस कर ले। नेक्स्ट इस फिल्म का ड्रॉबैक ये है कि फिल्म बहुत ही ज़्यादा स्लो है और इसमें काफ़ी ज़्यादा MMA दिखा रखा है। एक्शन काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसके साथ जब क्लीशे स्टोरी जुड़ जाती है तो विजय देवरकोंडा भी इस फिल्म को नहीं बचा पाते हैं। विजय देवरकोंडा जैसे टैलेंट को इस फिल्म ने वेस्ट कर दिया। इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ टैलेंट। विजय देवरकोंडा इससे ज़्यादा बेटर बॉलीवुड डेब्यू डिजर्व करते थे। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जहां पर थिएटर्स ओनर काफ़ी ज़्यादा गलत बोल रहे हैं विजय देवरकोंडा और बाकी सभी को, जिन्होंने कहा कि ऑडियंसेस अगर फिल्म को बॉयकॉट करना चाहती है तो कर दे। थिएटर ओनर्स का मानना है कि वो इस तरह से ऑडियंसेस को बहुत ही हल्के में नहीं ले सकते हैं।